विधानसभा चुनाव से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दाव चला है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा को समर्थन का ऐलान किया है। राजभर ने कहा कि बसपा को सत्ता से रोकने के लिए किसी से भी समझौता कर लेंगे। ये भी दावा किया कि प्रदेश के कई जिलों में सुबसपा के जिला पंचायत सदस्य ही जीत की पटकथा लिखेंगे। वह वाराणसी के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मैदान में उतरे ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। योगी से विवादों के बाद ओम प्रकाश को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। अगले विधानसभा चुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी की पार्टी समेत 10 दलों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। तो वहीं ओम प्रकाश ने एक बार फिर से दोहराया है कि ओबीसी कृष्णा पटेल, बाबूलाल कुशवाहा की पार्टी सहित 10 संगठनों वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा के समर्थन पर कहा कि अखिलेश व शिवपाल यादव दोनों से बातचीत चल रही है। मोर्चा के संकल्प व उद्देश्यों के साथ जो आएगा सभी का स्वागत होगा। ओम प्रकाश ने कहा कि सपा के साथ चुनाव लड़ने में कोई गुरेज नहीं है। कहा कि हम सत्ता में आए तो घरेलू बिजली का बिल 5 साल के लिए माफ़ करेंगे, गरीबों को निशुल्क इलाज की व्यवस्था करेंगे, मुफ्त समान अनिवार्य शिक्षा लागू की जाएगी। सवाल उठाया गया कि बिहार में शराब बंद तो हो गई है तो यूपी में क्यों नहीं बंद हो रही। कहा कि हम इन मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।